हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम क्लास 8 की एसएसटी बुक में हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 ज्यूडिशरी, आज उसका हम 4th पार्ट रीड करने वाले हैं। ठीक है, तो आप चैप्टर नंबर 5 निकाल लीजिए। और चैप्टर 5 में देखिए, हमने यहाँ तक रीड कर लिया था। हमारा जो चैप्टर था ज्यूडिशरी का, हमने इंट्रो जान लिया था। और इंट्रो के बाद में ये जो हमारे इसके जो रोल है ज्यूडिशरी का, उसके बारे में हमने जाना था। इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसके क्या क्या वर्क्स होते हैं, उसके बारे में हमने जाना था। और उसके बाद में नेक्स्ट पेज में यहाँ पे व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी की स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, इसके बारे में हमने जान लिया था। और उसके बाद में हमने आज की जो क्लास है हमारी, उसमें आज हम रीड करने वाले हैं कोर्ट्स के स्ट्रक्चर के बारे में, कि कोर्ट्स के स्ट्रक्चर, कोर्ट की संरचना कैसी होती है, क्या क्या होते हैं, कौन कौन से कोर्ट्स होते हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल में रीड करेंगे। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर, की संरचना कैसी संरचना है कोर्ट्स की इंडिया, भारत में न्यायालयों की संरचना कैसी है, क्या है, उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, देर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स इन आवर कंट्री, कि हमारे देश में जो कोर्ट्स है उनके 3 डिफरेंट लेवल्स है, अलग अलग उनके स्तर है। यानी कि जो स्तर है कोर्ट्स के वो 3 है, 3 स्तरों पर, 3 लेवल्स पर ये जो कोर्ट है वो पाए जाते हैं हमारे देश में। देर आर सेवरल कोर्ट्स एट द लोअर लेवल। अब बात करें हम बिल्कुल लोअर लेवल के, निम्न स्तर की, एक तो होता है देखिए इसमें जो टॉप पे होता है, एक लोअर पे लोअर होता है, और एक बीच में मिडल होता है। तो बात करें बोले यहाँ पे देर आर सेवरल कोर्ट्स की, कई सारे कोर्ट्स होते हैं, कई सारी अदालतें होती है एट द लोअर लेवल, यानी नीचे वाले स्तर पर। वाइल जबकि देर इज ओनली 1 एट द अपेक्स लेवल, जबकि केवल जो उच्च स्तर है वहां पर एक अदालत होती है। द कोर्ट्स दैट मोस्ट पीपल इंट्रैक्ट, कि वे न्यायालय द मोस्ट पीपल, जहां पर अधिकांश लोग जो है वो उससे इंट्रैक्ट रखते हैं, विद इंट्रैक्ट विद, कि जिससे वो ताल्लुक रखते हैं या फिर जहां पर वो जाते हैं, आर वाट आर कॉल्ड सबॉर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो उनको सबॉर्डिनेट मीन्स अधीनस्थ, या फिर उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के नाम से जाना जाता है, यानी जिला न्यायालयों के नाम से जाना जाता है। दीज आर यूजुअली एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल, और ये आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट यानी जिला लेवल पर, यानी कि जिले में या फिर तहसील स्तर पर होते हैं, और इन टाउन्स या फिर कस्बों में होते हैं। एंड दे आर हियर मैनी काइंड ऑफ केसेस, और वो यहाँ पर कई प्रकार के, कई तरह के जो केसेस होते हैं उनकी सुनवाई करते हैं। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट दैट आर प्रिसाइडेड ओवर बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज। ईच स्टेट, प्रत्येक जो राज्य होता है वो डिवाइड होता है, बटा हुआ होता है डिस्ट्रिक्ट में, जिलों में, प्रत्येक राज्य में जिले होते हैं, दैट आर प्रिसाइडेड, जिनको संचालित किया जाता है बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज, एक डिस्ट्रिक्ट जो जिला जज है उसके द्वारा उसको संचालित किया जाता है, या फिर यूं कहे कि जिला न्यायाधीश के द्वारा उनको संचालित किया जाता है। ईच स्टेट हैज ए हाई कोर्ट, प्रत्येक स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है, विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, जो कि उस राज्य का हाईएस्ट कोर्ट होता है, यानी सबसे ऊंचा या सबसे ऊंचे स्तर पर, एक राज्य के अंदर सबसे ऊंचे स्तर पर एक कोर्ट होता है, जिसे हम हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं। एट द टॉप इज द सुप्रीम कोर्ट दैट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। और यदि बात करें हम तीसरे लेवल पे, थर्ड लेवल पे, जो कि सबसे टॉप में होता है, वो है सुप्रीम कोर्ट, दैट इज लोकेटेड, जो कि स्थित है कहां पर, न्यू दिल्ली में। एंड इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
और जिसको भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा संचालित किया जाता है या मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या फिर यू कहे कि उसका मुखिया जो है वो मुख्य न्यायाधीश होता है भारत का। द डिसीजंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, और जो डिसीजन जो फैसले जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए जाते हैं आर बाइंडिंग, वो बाध्यकारी होते हैं या वो उन मान्य होते हैं ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया, कि जितने भी इंडिया के जो दूसरे कोर्ट्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है या उनका जो डिसीजन होता है उसको मानना पड़ता है या वो मानने के लिए बाध्य होते हैं। टर्न प्लीज टर्न द पेज टर्न ओवर द पेज ओके आर दीज डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स वी आर ऑन पेज नंबर 58 आर दीज डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स, क्या ये जो भिन्न भिन्न स्तरों पे जो कोर्ट होते हैं अदालतें होती है कनेक्टेड टू ईच अदर, आर दीज डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स, क्या ये जो भिन्न भिन्न स्तर के जो कोर्ट है ये कनेक्टेड होते हैं यानी जुड़े हुए होते हैं टू ईच अदर एक दूसरे से। यस दे आर, हाँ ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इन इंडिया भारत में वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, कि भारत में हमारे पास में एक एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, इंटीग्रेटेड एकीकृत जुडिशियल न्यायिक जो व्यवस्था है भारत में हमारी। मीनिंग इसका मतलब यह है दैट द डिसीजंस, कि जो निर्णय या जो फैसले मेड बाय द हायर कोर्ट्स कि जो उच्च न्यायालय द्वारा किए जाते हैं आर बाइंडिंग, वो बाध्यकारी होते हैं मानने के लिए ऑन द लोअर कोर्ट्स यानी निचले जो न्यायालय होते हैं उनको, जो ऊपर के हायर जो कोर्ट्स होते हैं उनके निर्णय मानने होते हैं। अनदर वे, जो दूसरा तरीका है टू अंडरस्टैंड दिस इंटीग्रेशन, इस एकीकृत जो व्यवस्था है उसको समझने के लिए, इट्स थ्रू द एपलेट सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। अनदर वे, दूसरा तरीका टू अंडरस्टैंड दिस इंटीग्रेशन, कि इस एकीकरण को समझने के लिए जो दूसरा तरीका है जो दूसरा रास्ता है इज थ्रू द एपीलेट सिस्टम, वो एक अपीलीय जो व्यवस्था है दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, जो कि भारत में है उसको हम देख सकते हैं, कि भाई इस एकीकरण को समझने के लिए हम जो एक दूसरी जो अपीलीय जो व्यवस्था है भारत में उसको हम देख सकते हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब यह है दैट अ पर्सन, कि एक व्यक्ति कैन अपील टू अ हायर कोर्ट, कि वो एक उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, इफ दे बिलीव, यदि उनको ऐसा लगता है दैट द जजमेंट पास्ड बाय द लोअर कोर्ट्स इज नॉट जस्ट, कि जो जजमेंट जो न्यायालय जो न्याय या फिर जो फैसला सुनाया गया है जो न्याय किया गया है निचली अदालतों के द्वारा वो सही नहीं है, तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द एपीलेट सिस्टम बाय ट्रेसिंग अ केस, लेट अस अंडरस्टैंड, आओ हम समझते हैं व्हाट वी मीन, कि हमारा क्या मतलब है बाय द एपीलेट सिस्टम, ये जो अपीलीय व्यवस्था है उसको उसका मतलब क्या है, बाय ट्रैकिंग अ केस, एक मुकदमे पर विचार करके। स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो दिल्ली ये जो राज्य है दिल्ली जो प्रशासन है, वर्सेज लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स, कि लक्ष्मण कुमार जो और अन्य का जो मुकदमा है जो कि 1985 का है, फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स टू द सुप्रीम कोर्ट्स, और ये जो है वो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया, कि जो स्टेट जो राज्य है ठीक है राज्य बनाम जो लक्ष्मण कुमार और अन्य का मुकदमा है जो कि निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया, और ये बात कब की है 1985 की। इन फरवरी 1985
फरवरी 1980 में लक्ष्मण कुमार मैरिड 20 इयर्स ओल्ड सुधा गोयल की। लक्ष्मण कुमार ने एक 20 साल की जो लड़की थी सुधा गोयल उससे शादी की है। एंड दे लिव्ड इन ए फ्लैट इन दिल्ली, और वो दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे विद लक्ष्मण ब्रदर्स एंड देयर फैमिलीज की, लक्ष्मण के भाइयों और उनके परिवारों के साथ में। ऑन दिसंबर 2 दिसंबर 1980 को सुधा डाइड इन अ हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न्स, कि जो सुधा है उसकी मृत्यु हो गई, सुधा की मृत्यु हो गई टू बर्न्स यानी जल करके। हर फैमिली फाइल्ड अ केस इन कोर्ट, उनके परिवार ने एक कोर्ट में केस कर दिया। व्हेन दिस केस वाज हियर्ड इन द ट्रायल कोर्ट, और जब इस केस को ट्रायल कोर्ट में सुना गया, जब निचली जो अदालतें हैं वहां पर इसको, व्हेन दिस केस वाज हियर्ड इन द ट्रायल कोर्ट, और जब ये जो मुकदमा है उसको ट्रायल कोर्ट में यानी निचली अदालत में सुना गया, तो फोर ऑफ हर नेबर्स वर कॉल्ड इन अ विटनेस, कि जो चार उसके जो पड़ोसी थे उनको भी एक विटनेस के लिए गवाह के तौर पर बुलाया गया। दे स्टेटेड दैट ऑन द नाइट ऑफ दिसंबर 1st, दे स्टेटेड कि उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर की रात को दे हैड हियर्ड सुधा स्क्रीम, कि उन्होंने सुधा को चिल्लाते हुए सुना, एंड हैड फोर्स्ड देयर वे इनटू लक्ष्मण्स फ्लैट, और उसे बलपूर्वक लक्ष्मण के वे लोग जानने के लिए इस मामले को बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे। दे हैड हियर्ड सुधा स्क्रीम, उन्होंने सुधा को चिल्लाते हुए सुना, एंड हैड फोर्स्ड, और वो जबरदस्ती जो है घुसे, फोर्स्ड देयर वे इनटू लक्ष्मण्स फ्लैट, और वो इस मामले को जानने के लिए जबरदस्ती लक्ष्मण के फ्लैट में, लक्ष्मण के घर में घुसे। देयर दे सॉ, वहां पर उन्होंने देखा कि सुधा स्टैंडिंग विद हर सारी इन फ्लैम्स, कि वहां पर जो सुधा है वो देखा कि सुधा की जो साड़ी से आग की लपटें उठ रही थी, है ना। द सुधा स्टैंडिंग विद हर साड़ी इन फ्लैम्स, कि जो सुधा थी सुधा खड़ी हुई थी और उसकी साड़ी से जो लपटें थी वो उठ रही थी, यानी उसकी साड़ी में आग लगी हुई थी। दे एक्सटिंग्विश्ड द फायर बाय रैपिंग सुधा इन अ गनी बैग, दे एक्सटिंग्विश्ड द फायर, उन्होंने एक्सटिंग्विश्ड बुझाई फायर को, आग को, बाय रेपिंग लपेट करके सुधा को इन अ गनी बैग, एक बोरे से, एंड अ ब्लैंकेट, और एक कंबल से, यानी कि सुधा को उन्होंने एक बोरे और कंबल से लपेट करके उसकी आग को बुझाया। सुधा टोल्ड देम, सुधा ने उनको बताया दैट हर मदर इन लॉ शकुंतला, उनकी जो सासू माँ है सुकुंतला, हैड पावर्ड केरोसिन ऑयल ऑन हर, कि उन्होंने उसके ऊपर केरोसिन को उड़ेल दिया, एंड दैट हर हस्बैंड लक्ष्मण हैड लिट द फायर, कि और उनके जो पति लक्ष्मण थे उन्होंने आग लगा दी। ड्यूरिंग द ट्रायल मुकदमे के दौरान मेंबर्स ऑफ सुधास फैमिली, सुधा के परिवार के जो सदस्य थे, एंड अ नेबर, और जो पड़ोसी थे, स्टेटेड, उन्होंने बतलाया दैट द सुधा हैड बीन सब्जेक्टेड टू टॉर्चर, कि सुधा को बहुत टॉर्चर करते थे, उसको बहुत प्रताड़ित करते थे, उसके साथ में बहुत मारपीट करते थे बाय हर इन लॉज, उसके ससुराल वाले या उसके ससुराल में, एंड दैट दे वर डिमांडिंग, और वो डिमांड भी कर रहे थे मोर कैश, बहुत अधिक पैसे की, एक स्कूटर की, एंड अ फ्रिज, और एक फ्रिज की ऑन द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, कि पहले बच्चे के जन्म पर वो बहुत सारा कैश, एक स्कूटर और एक फ्रिज की भी मांग कर रहे थे एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस, और उसने अपने बचाव में एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस, उनके बचाव के पक्ष में, एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस, उनके बचाव के पक्ष में लक्ष्मण एंड हिज मदर, लक्ष्मण और उसकी माँ ने स्टेटेड कहा दैट सुधा साड़ी हैड
एक्सीडेंटली कॉट फायर कि सुधा की साड़ी में अचानक से आग लग गई. वेल सी वाज हीटिंग मिल्क, जब वो दूध गर्म कर रही थी. ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड अदर एविडेंसेस, और ऑन द बेसिस यानी आधार पर, दिस एंड अदर एविडेंस, इस और दूसरे, ये और जो दूसरे एविडेंस थे, जो प्रमाण थे, उनके आधार पर द ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड लक्ष्मण. जो ट्रायल कोर्ट है उसने लक्ष्मण, जो कोर्ट ने कन्विक्टेड यानी जो दोषी करार दिया लक्ष्मण को, हिज मदर उसकी माँ शकुंतला को, एंड हिज ब्रदर इन लॉ, और उसके जो ब्रदर इन लॉ है, जो उसके जेठ है सुधा के, सुभाष चंद्र, उसको, एंड सेंटेंस्ड, और उनको सजा सुनाई, ऑल थ्री ऑफ देम टू डेथ, उन सभी को, तीनों को मौत की सजा सुनाई गई. उसके बाद में यहां से जो हमारा ये जो पैरा है इन नवंबर 1983, यहां से हम अगले पार्ट में रीड करेंगे. तो तब तक के लिए थैंक यू. और हाँ, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो अगला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.